तो वीवीएम माइक्रो की स्टार्टिंग क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे जाएं और ये आपका वीवीई एडिटर आएगा। और जैसे कि हम कोडिंग जो करते हैं वो किसी सीट या वर्कबुक पे नहीं करते हैं। जैसे सीट पे डबल क्लिक करते ही जो कोड विंडो आता है, हम यहाँ भी कोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कोड नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर हमने यहाँ कोड लिख कर दिया तो दिक्कत, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, जो कोडिंग है इसी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होगा। अगर किसी ने सीट को डिलीट कर दिया तो आपका कोडिंग डिलीट हो जाएगा। दूसरा चीज, अलग अलग फाइल्स में भी इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। लिंक दो तीन फाइल अलग अलग फाइल से लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जो करते हैं वो करते हैं इंसर्ट में मॉड्यूल्स और यहाँ माइक्रो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पब्लिक सब या सब लिखेंगे और माइक्रो का नेम देंगे। हम यहाँ पे माइक्रो का नेम दे दिया और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके ये आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो बन गया। अब यहाँ जो माइक्रो नेम लिखते हैं, नेम में भी एक रूल है कि किसी भी नेम माइक्रो नेम के अंदर में स्पेशल करेक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे ये स्पेस डॉट डैश कॉमा वो नेम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप इसके अंदर अंडरस्कोर लगा सकते हैं तो अंडरस्कोर रिकॉग्नाइज कर लेता है, या फिर 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नाम नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आपका माइक्रो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि राज वन अगर 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक में हमारा रेफरेंस होता है। जैसे राज वन की बात करें तो माइक्रो रन करने जाएंगे तो ये सीधे रेफरेंस पे ले जाएगा, रन डिसेबल कर देगा। इसलिए जो है हम यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम प्रोग्राम किससे स्टार्ट करें, पहला वर्ड क्या होना चाहिए, पहली कोड क्या होनी चाहिए। तो एक्सेल पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में मोस्टली जो लाइन है वो 4 कोड से स्टार्ट होती है, जैसे कि एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स, रेंज। ये चार मेन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसी के और भी पैरावाचिस की डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि वर्कबुक हम लोग एक्टिव वर्कबुक कहते हैं, शीट्स को शीट्स भी करते हैं, एक्टिव शीट भी करते हैं, रेंज को रेंज, सेल सिलेक्शन एक्टिव सेल भी करते हैं। तो ये चार जो है मेन आपका ऑब्जेक्ट है जिससे हमारा प्रोग्राम का हर एक लाइन स्टार्ट होता है। जैसे कि आप कोई वर्ड बोलते हैं तो मोस्टली सेंटेंस आप बोलते हैं इंग्लिश में, तो मोस्टली सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। सेम थिंग कुछ भी कहिए, अगर लोकेशन के कहाँ पे और क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक फाइल ओपन करनी है, एक फाइल ऐड करनी है, एक न्यू वर्कबुक ऐड करनी है। तो न्यू वर्कबुक ऐड करने का कोड होगा workbooks.add। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मतलब कि लोकेशन, ये हो गया आपका मेंबर मतलब कि एक्शन कि कहाँ पे क्या करना है। तो वर्कबुक्स में हमें ऐड करना है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो उसके लिए कोड होगा वर्क बुक्स और यहाँ पे कौन सी बुक यहाँ पे डालनी है .xlsx और .save as और कहाँ करना है तो करना है डी ड्राइव में 2010 फोल्डर में 123.xlsx के नाम से। समझिए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्कबुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया और जो हमने ब्रैकेट में डाला दिस इज द ऑब्जेक्ट डिटेल कि हमें क्या करना है, किस पे कहाँ किस पे क्या करना है। तो जैसे कि ऊपर में हमने जस्ट वर्कबुक ऐड किया तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्कबुक का जिक्र नहीं, फिक्स है न्यू ब्लैंक वर्कबुक। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। बट हम सेव करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सी फाइल हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्कबुक फाइल नेम विथ एक्सटेंशन और क्या करना सेव है।
तो यहाँ हो गया आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल्स मेंबर, एंड ये हो गया मेंबर डिटेल्स। आम भाषा में बोले तो यहाँ पे होगी लोकेशन, ये होगी लोकेशन डिटेल्स, ये हो गया आपका एक्शन, ये आपका हो गया एक्शन डिटेल्स। तो पुनीत जी अतुल जी समझ में आ रहा है आपको सर? आ रहा है सर, आ रहा है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हम सिचुएशन को भी देखते हैं, जैसे कि हमने वर्कबुक ऐड का कोड डाला और मैं चाहता हूँ जो फाइल ऐड हुई है वो सेव हो जाए। अब मैं इस कोड को नहीं डाल सकता सर। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में इसको लोकेशन को रखा जा रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिचुएशन की, कि हर जगह पे कोड सिचुएशन के हिसाब से भी हमें कोड बदलने होते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो वर्कबुक ऐड होगी वो सेव हो जाए, उसमें हम कोड नहीं डाल सकते, क्योंकि जब भी वर्कबुक सेव होगी जरूरी थोड़ी है कि बुक वन ही होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है ना सर। क्या सर? यस सर, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना कोड चेंज करना। तो सिचुएशन एक कहती है कि जो फाइल ऐड होती है, जो फाइल इंसर्ट होती है, वही हमारा एक्टिवेट होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक, बुक होगा डॉट सेव एज, एंड हम कहाँ सेव कर रहे हैं इसकी पूरी बात। अब एक दोनों कोड एक साथ चलेंगे, पहले वर्कबुक ऐड करेगा देन उसको सेव एज करेगा। तो यहाँ पे हमने एक्टिव वर्कबुक क्यों डाला? क्योंकि हमें पता है कि जब फाइल ऐड होगी वही फाइल हमारा एक्टिव होगा, तो हमें अलग से फाइल डिटेल्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना कोड सिचुएशन के हिसाब से भी चेंज करते हैं। अब कोड लिखने से पहले पता हो कि मुझे इसको सेव करना है, तो हम इस कोड को डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे डॉट ऐड डॉट सेव एज। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने कोड को यूज करेंगे। ततुल जी कोई डाउट इसमें? कोई नहीं सर। सिचुएशन के हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। अब चलिए हम वर्कबुक पे होने वाले कोड को समझते हैं। एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस है। हम बात करते हैं वर्कबुक। वर्कबुक पे क्या होता है? एक फाइल के साथ हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले फाइल को ऐड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। हम फाइल को सेव एज करते हैं, सेव एज का तरीका ही बता दिया। अगर आपको सेव करना है तो यहाँ देखिएगा आप एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक, ये दो मेथड है आपका, कि आप एक्टिव वर्कबुक डालें या फिर वर्कबुक्स इसके अंदर आप फाइल नेम डालें, और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन की। अगर फाइल आपका एक्टिवेट है तो डालने की जरूरत नहीं है। फाइल आपका एक्टिवेट नहीं है बट पर्टिकुलर फाइल इसका नाम फिक्स है तो आप इसको डालना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे फाइल को सेव करना है और उस फाइल का नाम मुझे पता है, तो हम कोड लिखेंगे वर्कबुक डॉट सेव, या फिर हम एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव भी लिख सकते हैं। लेकिन सिचुएशन है कि आपकी फाइल इस कोड को रन होने से पहले एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए मुझे फाइल ओपन करनी है, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, तो यहां लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन और फिर पाथ देंगे जहां से हमें अपनी इस फाइल को ओपन करना है, पूरी की पूरी पाथ विद एक्सटेंशन। ओके, पाथ विद एक्सटेंशन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे का जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि हमने फाइल जब ओपन करेंगे तो हमें फाइल क्लोज भी करना होगा,
तो अगर आपको फाइल कोई पर्टिकुलर फाइल जिसका नाम पता है उसको क्लोज करना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डॉट क्लोज। अब यहाँ पे हम ट्रू एंड फॉल्स देंगे। ट्रू क्यों देंगे कि जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं अगर वो फाइल सेव नहीं है, जैसे कि ये आपकी फाइल है, मैंने इसको क्लोज किया तो पूछेगा डू वांट टू सेव, सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, डोंट सेव पे क्लिक करना है तो फॉल्स, ये आपको करना पड़ेगा। या फिर आपकी फाइल अगर एक्टिव है तो यहाँ आप एक्टिव वर्कबुक भी डाल सकते हैं, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू। तो आप सभी लोग, आपको ये समझ में आ गया कि हम वर्कबुक्स कब यूज करेंगे और एक्टिव वर्कबुक्स कब यूज करेंगे? आ गया सर, आ गया। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप खुद ब खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कब इसका यूज करना है। ओके सर, मैं लेट पे तो ज्वाइन किया हूँ सर, तो मेरे पास लिंक नहीं। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर। अब इसमें जो अगला ऑप्शन आता है कि हमने फाइल को ऐड कर लिया, सेव कर लिया, सेव एज कर लिया, ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, राइट? अब हम बात करते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल, तो हम ऐड ऑल टाइप करके जाते हैं ना, अगर दो फाइल आपके पास है बुक वन एंड बुक टू, तो हम लोग ऑल टाइप करते हैं बुक टू पे जाते हैं, तो उस तरह से कैसे जाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्क बुक्स, जिस फाइल में जाना है उस फाइल का नाम कि बुक वन या बुक टू डॉट xlsx या जो भी एक्सटेंशन है आपका डॉट एक्टिवेट। तो ये कभी कभी काम नहीं करता है तो इसको हम विंडोज के जरिए भी जा सकते हैं कि विंडोज एंड बुक टू, इन्वर्टर को ऑन देना पड़ेगा, ठीक है? या सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे हम नंबर भी डाल सकते हैं डॉट एक्टिवेट। हमने एक शीट से दूसरे शीट पे जाने का हम काम ही करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइल को प्रोटेक्ट करने की। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट और इसमें पासवर्ड डाल दिया, तो ये प्रोटेक्शन कौन सी हुई? आपकी ओपनिंग पासवर्ड नहीं डाला, ये जो आपके रिव्यू के अंदर जो यहां प्रोटेक्ट शीट आपको दिख रहा है, रिव्यू टैब के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक, माफ कीजिएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक दिख रहा है वो इसको फॉलो किया। लेकिन मैं चाहता हूं अपने फाइल की ओपनिंग पासवर्ड, ओपनिंग पासवर्ड के लिए हम यहां डालेंगे एक्टिव वर्क बुक स्पेलिंग मिस्टेक था, और हमेशा कोड कीजिएगा लोअर लेटर या अपर लेटर में। पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, तो हमने लोअर लेटर में किया तो क्या हुआ, हमारा केस टाइटल केस में चला। एवरी टाइम आप जो है लोअर लेटर में ही करेंगे, उसे पता चलेगा कि कोई कोड में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। तो हमने पासवर्ड किया। अब यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि हमने इससे ऊपर लाइन में कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया, बट इसमें इक्वल का यूज क्यों किया? देखिए, जैसे कि मैंने समझाया कि ये आपका मेंबर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और मेंबर है। जो वर्कबुक है या एक्टिव वर्कबुक है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद डॉट करके लगने वाली सारी चीजें क्या है, हमारा मेंबर है। तो मेंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज। तो मेथड में हमेशा स्पेस लगता है जैसे कि हमने यहाँ लगाया हुआ, और प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगता है। तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज है या मेथड है? इसके दो तरीके हैं। पहला तो जैसे कि आप मेथड पे स्पेस मारेंगे तो सिंटैक्स आएगा, प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं आएगा।
दूसरा जो सबसे सटीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डॉट लगा के अगर मैंने प्रोटेक्ट लिखा, जो ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है वो आपका मेथड है, मतलब कि इसमें स्पेस लगेगा, और ये जो हैंड का निशान लगा हुआ है ये आपका प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज की मेंबर डिटेल्स को डालने के लिए। तो प्रॉपर्टीज भी दो तरह की होती है, एक इंफॉर्मेशन लेता है एक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे पासवर्ड जो है इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन मैं अगर मैं एक वेरिएबल डाल दूं कि p इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, तो क्या होगा, जो फाइल का नेम है वो p पे डाल देगा। p क्या है, ये p को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में होता है ना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, तो सेम इसी तरह से कि इसने टेम्पोरली फाइल नेम को p पे स्टोर कर लिया, तो इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इस कोड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इस सारे कोड को वन बाय वन यूज कीजिए, और याद रखिएगा कि एक माइक्रो में आप एक कोड ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने दो, क्योंकि सारे के सारे कोड एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, तो सारे कोड आप इकट्ठा डाल देंगे तो आपका सही तरीके से नहीं दिखेगा, इसलिए वन बाय वन ही डालें।